नमस्कार साथियों, विजन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज से इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये सीरीज है, उसका टाइम पीरियड 10 से 15 मिनट के बीच होगा। इसके अंदर मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भर्ती बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लेके मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट को समझ नहीं आते हैं, या फिर मैं ऐसी बात करूं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आम स्टूडेंट के समझ से परे होते हैं और वह तैयारी तो बहुत अच्छे लेवल की करता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो उसे समझ नहीं आने के कारण उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं आपसे, मैंने एक क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जिसके अंदर बहुत सारे डिफिकल्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊं, कोई एक कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसे कोई ज्योग्राफी का वर्ड है वह समझ में नहीं आएगा। उसका कारण मुख्य रूप से यही रहता है कि उस आदमी ने, माना कि उसने फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी की, तो उसने जीएस के पेपर को मुख्य रूप से जीएस के अकॉर्डिंग पढ़ा और उसे चूंकि ऑप्शनल भी साथ में तैयारी करना है, इस हिसाब से उसकी तैयारी तुलनात्मक रूप से इतनी अच्छी नहीं हो पाई और जीएस का पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया। मेरा प्रयास ये है कि राजस्थान के अंदर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस सीरीज को देखें। जो क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कंप्यूटर वगैरह से, जो ज्यादा रिपीटेड होते हैं, आम स्टूडेंट की समझ से परे होते हैं, ऐसी सीरीज की मैं शुरुआत करूंगा। तो आज मैं इसका वॉल्यूम फर्स्ट अपलोड कर रहा हूं। देखें, मेरा पहला शब्द, जो पहला वर्ड है वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ये मैं पहला शब्द ले रहा हूं, इस सीरीज का सबसे पहला शब्द है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल में आने वाला तूफान है। क्या है? शीतकाल में आने वाला तूफान है। तो आपने देखा कि भाई पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअली के अंदर क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल में आने वाला एक तूफान है। और अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित, ओरिजिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। कहां से होती है? ध्यान दें, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। यह शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाता है और इस वर्षा को कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? इस वर्षा को कहते हैं मावठ। और ये मावठ है, ये रबी की फसलों के लिए गोल्डन रेन है। क्या है? रबी की फसलों के लिए एक गोल्डन रेन के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ शब्द आम स्टूडेंट को समझ नहीं आता जो जीएस की तैयारी करता है, और इस क्वेश्चन से कितने भी आरपीएससी या कोई भी बोर्ड है क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा जो मेरा वर्ड है वह है स्टेपी। आपने बहुत सारे एग्जाम के अंदर स्टेपी शब्द को सुना होगा, चाहे उसमें पूछा जा सकता है कि स्टेपी का वर्ल्ड लेवल पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, राजस्थान के अंदर कौन से एरियाज स्टेपी के अंतर्गत आते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा एरिया स्टेपी के अंदर है, कोपेन के वर्गीकरण का कौन सा पार्ट स्टेपी कहलाता है। तो सबसे पहले आप समझे कि स्टेपी क्या है। तो आप इसमें देखें, अगर मैं बात करूं स्टेपी के बारे में, स्टेपी एक डिफिकल्ट वर्ड है, ये सीरीज का 2 नंबर का वर्ड है, एक डिफिकल्ट वर्ड है। अगर आप इसको देखोगे तो स्टेपी क्या है? स्टेपी अर्ध शुष्क, क्या है? अर्ध शुष्क घास स्थल है। क्या है? अर्ध शुष्क ग्रास लैंड है। अर्ध शुष्क शब्द यहाँ पे आ गया। इसके साथ साथ जो स्टेपी है वह शीतोष्ण प्रकार का ग्रास लैंड है। ग्रास लैंड 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण प्रकार के और शीतोष्ण प्रकार के। और स्टेपी किस प्रकार का ग्रास लैंड है? स्टेपी शीतोष्ण प्रकार का ग्रास लैंड है। आप ये भी ध्यान रखें, शीतोष्ण प्रकार का ग्रास लैंड है।
अब कोपेन के वर्गीकरण के अंदर क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या है आपको दे देता है कि स्टेपी के अंतर्गत कौन सा आएगा। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया था, जो 2020 में कंडक्ट हुई थी। और अब स्टेपी की अगर बात करूं तो कोपेन के वर्गीकरण का BSHW ये आता है, और ये तो कोपेन के वर्गीकरण का एरिया है। अब राजस्थान के क्षेत्र की बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान प्लस शेखावटी, पश्चिमी राजस्थान प्लस शेखावटी है वो स्टेपी एरिया के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये वर्ड नंबर दो हुआ, क्वेश्चन नंबर या वर्ड नंबर दो हुआ, जो स्टेपी से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, SI 2016 का एग्जाम अगर किसी ने आप में से दिया है, या फिर तो आप जानते हैं कि SI के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरियल फॉरेस्ट किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान दें, क्वेश्चन था कि बोरियल फॉरेस्ट किसे कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोरियल फॉरेस्ट। क्योंकि अपने बोरियल फॉरेस्ट पढ़ा नहीं था तो आम स्टूडेंट के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जीएस पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीके क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन एक्चुअली के अंदर समझ नहीं आया। बाद में जब लोग एग्जाम देके आए तब पता चला कि बोरियल का मतलब ये था। तो मैं आपको बता दूं कि बोरियल एक्चुअली के अंदर एक टेगा वनस्पति है। क्या है, बोरियल एक प्रकार की टेगा वनस्पति है। अब आपको पता चल गया कि भाई पहले आपको पता नहीं था, ये वर्ड नंबर तीन है कि बोरियल का मतलब टेगा वनस्पति है। टेगा के बारे में सब लोग जानते हैं, जैसे मैं ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब में ये है 50 से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है, और जो टेगा जो वनस्पति है वह लार्जेस्ट बायोम इन ऑन लैंड, ये लार्जेस्ट बायोम है पृथ्वी के ऊपर, तो इसके बारे में अपन अच्छे से जानते हैं। और टेगा से जस्ट ऊपर क्रायोफाइट्स प्लांट आते हैं। क्रायोफाइट्स का मेरा तात्पर्य यहाँ है कि लो टेम्परेचर हो। अगर आपने क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप अच्छे से जानते हो क्रायोफाइट्स का क्या मतलब होता है। तो अब ये हुआ मेरा तीसरा वर्ड इस सीरीज का। अब ये क्वेश्चन SI 2016 के अंदर पूछा गया था, अगर आप में से किसी ने दिया है तो आपको पता होगा। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, तो आम राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के अंदर बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन है खड़ीन। क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि खड़ीन क्या है, खड़ीन से आप क्या समझते हैं या खड़ीन क्या है। मैं आपको बता दूं कि खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण, परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको मुख्य रूप से पता होगा कि खड़ीन क्या है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हो, किसी सिटी के स्टूडेंट के लिए खड़ीन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट वर्ड रह जाता है, जो उसे आम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो खड़ीन एक परंपरागत जल स्रोत की एक मेथड्स है, और मुख्य रूप से खड़ीन है वो बाड़मेर और जैसलमेर एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, और इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से जैन पालीवाल करवाते हैं। जैन पालीवालों के द्वारा इसका मुख्य रूप से निर्माण करवाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2018 की सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि खड़ीन से क्या तात्पर्य है। तो स्टेपी खड़ीन, इसके साथ साथ अगर अब मैं अगले वर्ड की बात करूं तो ये है फ्लेवर सेवर। बहुत बार ये क्वेश्चन RPSC के एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, लेकिन अगर आप कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो जिसने साइंस या बायोटेक्नोलॉजी को कम पढ़ा हो, या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो जिसने भी अगर बायोटेक्नोलॉजी को कम पढ़ा हो, तो उस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि फ्लेवर सेवर का मतलब क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लेवर सेवर बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। इसका है बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है, अर्थात अगर आप टमाटर की किस्म के अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को मिला के अगर उसका जीन मैपिंग करते हैं और उससे RDNA टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसजेनिक उसके जीन के अंदर चेंज करके ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं या GM तैयार करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, तो एक टमाटर की उन्नत किस्म है जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, उसे फ्लेवर सेवर कहते हैं। RPSC ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा था कि आप फ्लेवर सेवर से क्या समझते हैं। अगर स्टूडेंट स्पेसिफिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है
उसने कभी इतना डीपली से सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की है तो उसे पता नहीं होगा, या उसका करंट अफेयर इतना अच्छा नहीं रहा है तो उसको पता नहीं होगा कि फ्लेवर सेवर क्या है। तो अब आपको समझ में आया कि एक्चुअली के अंदर फ्लेवर सेवर क्या है, जिसका क्वेश्चन आरपीएससी आम खास एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से पूछती है। अब इस सीरीज का जो अगला वर्ड है बायोपायरेसी, बायोपायरेसी शब्द बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछती है, कई बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन को पूछा और कई बार आरपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, मुख्य रूप से आरपीएससी आरएएस के अंदर भी एक बार पूछ चुकी है मेंस के अंदर बहुत टाइम पहले कि बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। आप ध्यान दें, शब्द है बायोपायरेसी, बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी का मतलब क्या है, दो शब्दों से मिला है, एक है बायो एक है पायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब है कि किसी व्यक्ति या संस्था के किसी के भी जैविक संसाधनों को चुराना। ऐसा इसका मतलब ये है, अगर मैंने कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई खोज की है या फिर रिसर्च या डिस्कवरी की है, अगर आप उसको चुराते हो बिना पेटेंट करवाए, उसको आप चुराते हो, अगर आप मेरे नाम उसका पेटेंट नहीं था या पेटेंट था फिर भी अगर आप उसको चुराते हो तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। इस प्रकार से भारत के अंदर मैं अगर बात करूं तो भारत में जो चावल की किस्म थी उसका अमेरिका ने बायोपायरेसी के माध्यम से उसको चुराया था, ये हुआ बायोपायरेसी। आम स्टूडेंट को बायोपायरेसी समझ में नहीं आता, जब भी ये वर्ड एग्जाम के अंदर आता है तो नॉर्मल जो साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको एक्चुअली के अंदर ये चीज समझ में नहीं आती कि बायोपायरेसी का एक्चुअली के अंदर क्या मीनिंग होती है। और अगर आप स्पेसिफिक बैकग्राउंड के अंदर हो जिसमें आप आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो, अगर आपने सिविल सर्विसेज को नहीं ज्यादा तैयार किया है तो आपको बायोपायरेसी समझ में नहीं आएगा। बाई चांस किसी बार एग्जाम के अंदर अगर बायोपायरेसी आ जाए तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के अंदर जीएस के पेपर के अंदर, नॉर्मली जीके राजस्थान जीके का क्वेश्चन है तो बहुत बार पूछा गया, नेजा से आप क्या समझते हैं, क्या था नेजा। तो नेजा एक तो नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का एक तो नेजा नृत्य है। इसके साथ साथ नेजा है वह रामदेव जी की जो ध्वजा होती है मंदिर के ऊपर, रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा, जो मंदिर के ऊपर की जो ध्वजा होती है उसे भी मुख्य रूप से नेजा ही कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मतलब हर बार आरपीएससी इस क्वेश्चन को प्रोटेक्शन ऑफिसर में भी पूछा, मतलब इस क्वेश्चन को बार बार पूछती ही रहती है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आरएएस में बहुत बार आया, आरएएस में एलडीसी में भी पूछा गया कि प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, या कभी कभार वो दे देते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, और ये तो आरएएस 2016 के अंदर पूछा गया था प्रतिबंधित एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। 13 के भी प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया प्रतिबंधित एंजाइम से संबंधित। तो अगर कोई स्टूडेंट है उसे प्रतिबंधित एंजाइम का मतलब ही पता नहीं तो वो क्वेश्चन को क्या कर पाएगा। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड या रिपीटेड क्वेश्चनों की अच्छी सी सीरीज तैयार की जाए जो आम स्टूडेंट को समझ आ जाए। अब एक है प्रतिबंधित एंजाइम, क्या है प्रतिबंधित एंजाइम, और इस प्रतिबंधित जो एंजाइम है उसको अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। क्या कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, क्या कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। इस रेस्ट्रिकेशन या प्रतिबंधित का मतलब यह है कि यह एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को एक विशिष्ट खंडों पे ही काटता है, विशिष्ट के कारण स्पेसिफिक के कारण ही इसको रेस्ट्रिकेशन कहते हैं, उसके पश्चात ये किसी डीएनए पार्ट को नहीं काटते, एक बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट के अंदर काटते हैं तो उसे कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। ये दो प्रकार के होते हैं एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिकेशन, एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिकेशन। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को आंतरिक खंडों के अंदर काटते हैं और कुछ आउटर सरफेस पे काटते हैं, इसे आण्विक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आरएएस के अंदर बहुत बार पूछा गया था, बहुत बार। इसके साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा। तो आप ध्यान दें कि प्रतिबंधित एंजाइम का क्या मतलब होता है और प्रतिबंधित एंजाइम कहते किसे है, इसकी अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। इस प्रकार से ये कुछ वर्ड थे, इस टाइप्स के वर्ड मैं इस सीरीज के अंदर लेके आऊंगा। ये सीरीज डेली बेस पे होगी
जिसके अंदर आपको 10 से लेके 15 मिनट के बीच में 10 से लेके 12 वर्ड के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि यह क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया था। अगर आप कोई वीडियो या ये वर्ड लगता है कि वाकई एग्जाम के अंदर आ सकते हैं या फिर आए भी है, अर्थात मेरा कलेक्शन अच्छा लगता है, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी जानकारियां या आगे भी ऐसे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। अगर आपको लगे कि यार मेरी ये जानकारी काम की नहीं है, तो फिर आपको एक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।